हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू आवर ओन चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स। सो गाइस, जैसे कि सीबीएसई का न्यू पैटर्न आ गया है और सिलेबस को बाइफर्केट कर दिया गया है दो पार्ट्स में, टर्म वन और टर्म टू। सो टर्म वन में सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं और टर्म वन का सिलेबस भी सीबीएसई ऑलरेडी इशू कर चुकी है। सो आज की क्लास में मैं मनी एंड बैंकिंग के कुछ अजर्शंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टडी कि अजर्शंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग सर्टेन एग्जांपल्स, और उन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि अजर्शन और रीजंस को कैसे सॉल्व करना है या उसके आंसर्स कैसे आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, एग्जाम में जो ऑप्शंस आने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक कि उन ऑप्शंस, वो ऑप्शंस क्या हैं और उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को हमें कैसे चूज करना है वो हम देख लेते हैं। सो पहला ऑप्शन है, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। अब देखिए, एग्जाम में जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आंसर बिल्कुल उससे रेलेवेंट लिखते हैं, जो क्वेश्चन में मांगा गया है हम वही चीज को आंसर में लिखते हैं, ठीक है। सेम यही थिंक ऑप्शन वन में भी है। जो पहली स्टेटमेंट है अजर्शन, वो भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स का अपना एग्जिस्टेंस है। इवन जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर पा रही है अजर्शन को, यानी जो अजर्शन है उसमें क्या बोला गया है उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई अगर रीजन कर रहा है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन वन, ठीक। इफ द रीजन इज 100% एक्सप्लेनिंग अजर्शन, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या चाहते हैं, क्या कैसे चाहते हैं, अगर उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है तो हम ऑप्शन वन को चूज करेंगे, फाइन। ऑप्शन टू आप तब चूज करोगे जब दोनों के दोनों की अपनी एग्जिस्टेंस तो है, वो दोनों अपने आप में ठीक हैं, लेकिन रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी जो अजर्शन में बोला गया है अगर रीजन उस चीज को स्पेसिफाई ही नहीं कर पा रहा है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन टू, दैट इज बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ठीक। थर्ड ऑप्शन है, अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अजर्शन की अपनी एग्जिस्टेंस है इसीलिए वो बिल्कुल ठीक है, बट रीजन की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो लिखा गया है वो ठीक नहीं है, तो हम ऑप्शन थ्री चूज करेंगे। ऑप्शन फोर हम तब चूज करेंगे जब अजर्शन बिल्कुल गलत है, यानी उसमें जो बताया गया है, उसमें जो समझाया गया है, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम अजर्शन फॉल्स हुआ, लेकिन जो रीजन है उसकी अपनी अगर एग्जिस्टेंस है तो हम ऑप्शन फोर चूज करेंगे। सो दीज वर द ऑप्शंस एंड उनमें कैसे हमने कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो हमने देख लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग सर्टेन क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अजर्शन क्या कह रहा है। Assertion says banks are rapidly increasing the use of digital delivery channels such as ATMs, internet banking, UPI, etc. Ab we very well know that Indian economy is moving towards digitalized system. ठीक है, अब हमें ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर रिक्वायर्ड टू गो टू बैंक इन ऑर्डर टू डिपॉजिट एनी सॉर्ट ऑफ फंड्स, विदड्रॉ करना है तो हमें बैंक जाना, नहीं, हम ATMs के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इवन वी कैन डिपॉजिट द मनी, वी कैन विदड्रॉ द मनी, इंटरनेट बैंकिंग हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने कोई और काम करना है लाइक शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी करना है, किसी को ट्रांसफ़र भी करना है पैसा, देन वी कैन इवन यूज़ टेक द हेल्प ऑफ UPIs, ठीक है। सो बैंक जो है वो डिजिटल सिस्टम्स यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू कंडक्ट इट्स बैंकिंग सिस्टम, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, दिस वॉज अजर्शन। सो अब इस अजर्शन को देख के हमें सीधे समझ आ गया है कि अजर्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है, यस वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, यस वी आर यूजिंग ATMs, वी आर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, वी आर यूजिंग डीप UPIs, सो अजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक की रीजन क्या कहता है। रीजन सेज द बैंकिंग स्टाफ इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द बैंकिंग नीड्स ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब हमारी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है कि बैंकिंग स्टाफ इनएफिशियंट है, इसीलिए हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, बैंकिंग स्टाफ इज नॉट एट ऑल इनएफिशियंट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारी कंट्री का बैंकिंग स्टाफ इनएफिशियंट है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की बैंकिंग नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, दिस इज नॉट एज एट ऑल करेक्ट।
सो रीजन अपने आप में बिल्कुल गलत है. सो अजर्शन 100% करेक्ट, रीजन 100% रॉन्ग. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? यस, यू विल बी चूजिंग द सी ऑप्शन, दैट इज अजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. अजर्शन सेज डीमोनेटाइजेशन मींस स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर. यानी जो हमारी करेंसीज हैं, विद द हेल्प ऑफ डीमोनेटाइजेशन उन करेंसीज से उनका हक छीन लिया गया. यानी उन करेंसीज की जो एग्जिस्टेंस थी उसको रिमूव कर दिया गया बाय यूजिंग डीमोनेटाइजेशन. ये क्या है? बिल्कुल ठीक है. डीमोनेटाइजेशन में यही किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग करेंसीज थी उनकी एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया गया था, उनको लीगल टेंडर रहने ही नहीं दिया गया था. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रीजन. अजर्शन वाज करेक्ट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रीजन. रीजन सेज ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ रुपीज 500 एंड 1000 आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर. बिल्कुल ठीक. डीमोनेटाइजेशन में यही किया था, 500 और 1000 के नोटों को रिमूव कर दिया गया था, उनको लीगल टेंडर के स्टेटस से हटा दिया था. न्यू करेंसी नोट्स इन डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 2000 वर लॉन्च. ये बिल्कुल ठीक है. 500 और 2000 के नोट्स इशू करे गए थे न्यू. ठीक है. सो रीजन क्या है? 100% करेक्ट है. अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है. ठीक है. अब हमें चेक करना है क्या रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है. अब देखो भाई, अजर्शन में हमने बात की थी. सो अजर्शन बिल्कुल ठीक है. ठीक है. रीजन भी बिल्कुल ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं. देखो भाई, अजर्शन में डीमोनेटाइजेशन के मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया था. ठीक है. रीजन में बताया गया है कि कौन से नोट्स हटे, कौन से नोट्स नहीं हटे. ठीक है. सो रीजन मीनिंग को एलैबोरेट नहीं कर पा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी कुछ कंडीशंस, उसके कुछ फीचर्स बता रहा है या फिर उसकी कुछ कंडीशंस बता रहा है. सो दोनों ठीक तो हैं, बट रीजन अजर्शन को पूरी तरीके से इलैबोरेट नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. अजर्शन के मीनिंग को इलैबोरेट नहीं कर पा रहा है. दैट इज व्हाई वी विल बी चूजिंग हेयर विच ऑप्शन. यस, विल बी चूजिंग बी ऑप्शन, दैट इज बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन is not the correct explanation of assertion. ठीक. Now let's have a look at the third question. Third question कह रहा है, the central bank's primary objective is to maintain economic stability through quantitative and qualitative instruments. Assertion कह रहा है कि जो RBI है उसका main काम क्या है कि country में economic stability को maintain करना. कैसे? By using quantitative and qualitative instruments of monetary policy. हाँ जी बिल्कुल. बैंक रेट वो यूज़ करता है, CRR वो यूज़ करता है, SLR वो यूज़ करता है, ताकि इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई. बिल्कुल ठीक है. रीजन देख लेते हैं. रीजन कह रहा है, द सेंट्रल बैंक हैज़ गॉट सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल क्रेडिट लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब देखो, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जिनके थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है. वही चीज़ इसने सेम टू सेम रीजन भी बोला कि भाई सेंट्रल बैंक में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. कौन कौन से? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, वी यूज़ ऑल दीज. सो अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है. और रीजन में सारे के सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी बता दिया गया है. दैट मीन्स रीजन इज एग्जैक्टली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. अजर्शन को आगे तक लेके गया आपका रीजन और उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है. So here we'll be choosing the first option, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Fine. Now let's have a look at the fourth question. Assertion says commercial banks attain profit due to something called spread. जब spread होता है उसकी वजह से commercial banks को profit मिलते हैं. ठीक है. स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी इंटरेस्ट रेट में या प्राइसेस में जो डिफरेंस आता है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं. ठीक है. सो अब देखो, कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट्स कैसे अर्न करता है? वो बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट लेता है और डिपॉजिट्स पर हमें इंटरेस्ट देता है. ठीक है. सो उनका जो डिफरेंस होता है, दोनों इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, वही कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है. ठीक है. डिपॉजिट्स मैंने करी हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. बोरोइंग्स मैंने ली है, बैंक ने मुझे दी है, लोन दिया है, तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगा. इसके बीच का जो गैप है वो क्या है? डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स. इसे हम कहेंगे स्प्रेड. और इसी डिफरेंस से कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट्स अर्न करता है. इसीलिए अजर्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है.
नाउ लेट्स हैव अ लुक कि रीज़न ठीक है या नहीं। रीज़न कह रहा है कमर्शियल बैंक्स चार्ज लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स एंड देन गिव मोर टू डिपॉजिटर्स। कमर्शियल बैंक कहता है कि जो कमर्शियल बैंक जो है वो बोरोइंग्स पर कम इंटरेस्ट लेता है, मतलब लोन जो दे रहा है उस पर तो इंटरेस्ट कम लेगा, लेकिन जो लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक पे जाकर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट हमेशा कम होता है, जो बैंक हमें देता है वो कम देता है लेकिन हमसे लेता हमेशा ज़्यादा है, ठीक है। सो रीज़न गलत है, अजर्शन ठीक है, उसके डिफरेंस से उनकी अर्निंग होती है, उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन रीज़न क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो हेयर विल बी चूजिंग सी ऑप्शन, दैट इज अजर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। फाइन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फिफ्थ वन, दैट इज अजर्शन कह रहा है कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक भाई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा होता है कैसे, बाय क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पे पता है कि क्रेडिट क्रिएशन का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक्स का होता है, ठीक है, और उसी के थ्रू वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। दिस इज करेक्ट। रीजन कह रहा है कमर्शियल बैंक्स हैव एन अथॉरिटी टू इशू नोट्स। नहीं भाई, कमर्शियल बैंक्स कहाँ नोट्स इशू करते हैं, कौन इशू करता है नोट्स, इट इज़ बीइंग इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। सो रीज़न गलत है लेकिन अजर्शन क्या है बिल्कुल ठीक है। सो इस केस में हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, येस विल बी चूजिंग द सी ऑप्शन, दैट इज अजर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ रहा होगा अजर्शन और रीज़न को कैसे सॉल्व करना है। हमें इनके बीच में ना सिर्फ लिंक देखना है, पहले तो यही देखना है कि इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है या नहीं, अगर है तो हमें सिर्फ लिंक देखना है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सिक्स्थ वन। अजर्शन कह रहा है रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड रिवर्स रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय कमर्शियल बैंक। नहीं भाई, जब हमने बैंकिंग चैप्टर पढ़ा था हमने पढ़ा था कि आरबीआई ही रेपो रेट भी फिक्स करता है और आरबीआई ही रिवर्स रेपो रेट भी फिक्स करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक तो करता ही नहीं है। सो इस वजह से अजर्शन क्या हो गई, गलत। वेरी गुड, रीज़न देख लेते हैं। रीज़न कह रहा है बोथ रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। वही आ गया, रिवर्स रेट और रेपो रेट कौन फिक्स कर रहा है, आरबीआई। तो रीज़न क्या है, ठीक है, ठीक है। अजर्शन बिल्कुल गलत, रीज़न बिल्कुल ठीक। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, यस यू विल बी चूजिंग द डी ऑप्शन, दैट इज अजर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू, ठीक। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेवेंथ। अजर्शन सेज आरबीआई इज बैंक ऑफ बैंक्स। अजर्शन कह रहा है आरबीआई जो है वो बैंक ऑफ बैंक्स है, ठीक है, RBI is a bank of banks, ठीक है, RBI जो है वो bank of banks है। और reason कह रहा है RBI issue bank notes, reason कह रहा है RBI जो है वो bank notes issue करता है। Assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, but क्या reason assertion को explain कर पा रहा है, भाई वो bank of banks है। तो यानी अगर यहाँ पे reason में कुछ elaborate करना था तो क्या कि RBI banks का bank कैसे है, यानी वो बैंक को कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ये चीज़ एलैबोरेट करनी थी कि भाई उनका सीआर रिजर्व्स रखता है, उनको क्लियरिंग हाउस फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको सुपरवाइज करता है, ये सब एक्सप्लेन करना था रीज़न में, बट रीज़न में ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। यानी अजर्शन अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, रीज़न अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, यानी ये दोनों ठीक है, बट रीज़न अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके फंक्शंस कि बैंकों का बैंक आरबीआई कैसे है ये चीज़ रीज़न में नहीं बताई गई। तो इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वी विल बी चूजिंग बी ऑप्शन, दैट इज बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। फाइन, वेरी गुड, लेट्स हैव अ लुक एट एट्थ वन। एट्थ कह रहा है अजर्शन सेज करेंसी नोट्स मनी इन डिपॉजिट्स एंड मनी एज अ लिक्विड असेट्स आर फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इन कंट्री। जब हमने M1, M2, M3, M4 कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे तो हमने सब देखा था कि भाई उसमें करेंसी नोट्स भी आता है, पोस्ट ऑफिस के पास बैंक जमा किया हुआ पैसा भी आता है, बैंक्स के पास जमा किया हुआ पैसा भी आता है, यानी ये सब जो है वो मनी सप्लाई है कंट्री में। अजर्शन ठीक है। अब ये सब कहाँ इंक्लूड होते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन M1, M2, M3 एंड M4। मनी सप्लाई में ये चार ही कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, तो रीज़न भी ठीक है और रीज़न आपकी अजर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है।
अगर कोई और डाउट्स भी हो, यू कैन इवन आस्क मी, यू कैन जस्ट टाइप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हैंडल इट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नाइन्थ वन. नाइन्थ वन सेज बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर अनदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बार्टर सिस्टम में हम यही करते हैं, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं. तो दर्शन क्या हो गया, ठीक है. रीजन क्या है रहा है, नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमंस आर अनलिमिटेड एंड पहले के टाइम पे मनी जो था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होता ही नहीं था. यानी पहले के टाइम में हम सिर्फ क्या यूज़ करते थे, वी वर यूजिंग गुड्स इन ऑर्डर टू एक्सचेंज विद गुड्स. ठीक है, सो रीज़न भी ठीक है. अब अजर्शन में क्या बोला था, बार्टर सिस्टम को इलाबोरेट करा गया था. रीज़न में भी वही किया गया कि मनी का रोल नहीं था. अगर मनी का रोल नहीं था तो किसका रोल था, बार्टर सिस्टम का रोल था. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड थी, अब हमें अपनी वॉन्ट्स तो पूरी करनी थी, मनी था नहीं तो कैसे पूरी करनी थी, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करके. तो उस हिसाब से रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. सो आंसर क्या हो गया, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. फाइन, नाउ द लास्ट फॉर टुडेज क्लासेस, अजर्शन सेज एम टू इज इक्वल्स टू 2.40 लाख करोड़. उसने सिंपल बोला है, M2 की वैल्यू क्या भाई, 2.4 लाख करोड़. ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख. रीजन कह रहा है M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. M2 का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. ठीक है, M1 भी ठीक है, सॉरी अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है. अब ये जो 2 करोड़ 40 लाख आए हैं कहीं से तो आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, ये इसी फॉर्मूले के थ्रू ही तो आए होंगे. यानी जब मैंने M1 में सेविंग डिपॉजिट फिर पोस्ट ऑफिस प्लस किया होगा तभी तो ये वैल्यू आई है मेरे पास. यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन हेयर ऑल्सो. सो बोथ रीजन एंड अजर्शन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. सो आई एम श्योर आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से, सिंस आई हैव यूज डिस्कस्ड ओनली मनी एंड बैंकिंग, तो आपको कुछ समझ आया होगा कि अजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उनके आंसर्स कैसे आएंगे. आप लोगों को डेफिनेटली समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सो दैट आई कैन बी मोर मोटिवेटेड एंड आप लोगों के लिए और अजर्शन रीजनिंग केस स्टडीज़ वाली क्लासेस और अरेंज कर पाऊँ. ओके, डेफिनेटली आगे की वीडियोस में मैं केस स्टडीज भी डिस्कस करूंगी कुछ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में इवन आपके हर सब्जेक्ट में अजर्शन रीजनिंग और केस स्टडीज आनी है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में भी आनी है. सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. बट फिलहाल आई वॉन्ट योर रिव्यूज कि आपको कुछ समझ आया या नहीं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास, बाय बाय.